प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू NVC फॉर मैथ। देखिए यहाँ भी आपको कैटरपिलर है ना, भूआ पिल्लर्स को हम लोग कहते हैं, कैटरपिलर है काफी संख्या में, क्योंकि मेरे घर के बगल में एक पेड़ है, उसी पेड़ में ये भूआ पिल्लू पूरा छत्ता जमा। देखिए मेरे घर के बगल में एक पेड़ है ना, इस पेड़ पर पूरा भूआ पिल्लू लगा हुआ है पूरा, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कितना सारा भूआ पिल्लू ऊपर तक लगा हुआ है, अब पेड़ के पत्तियों को पूरा खा गया है, इतने सारे संख्या में है, इतने गजब संख्या में है ये देखिए दोस्तों, एक बगल में और पेड़ है उसमें कितना सारा भूआ पिल्लू है, देखिए ये देखिए, आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, आपको क्लियर पता चलता होगा, देखिए हट जाओ गोकू, हट जाओ। देखिए आपको देख करके डरावना लगेगा, कैसा मंजर है ये, बहुत ही खतरनाक है ये, देखिए बहुत सारे हैं ठीक है ना, और भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप समझ सकते हैं कि कितना भूआ पिल्लू से हम लोग झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, ऊपर में भी है, ठीक है ना, ऊपर में भी है, ये देखिए ऊपर में भी आपको दिखाई दे, बहुत संख्या में भूआ पिल्लू है, और इससे हम लोग क्या है परेशान हो गए हैं, तो इसका क्या उपाय है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें आधा कप मैंने पानी लिया है, आधा गिलास, और इसमें थोड़ा सा सर्फ मैंने डाल दिया है, सर्फ एक्सल जो आता है ना घर में, उसको मैंने डाल दिया है, ठीक है, इस सर्फ एक्सल को डाल करके इसका जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को मैं अब इस कैटरपिलर यानी भूआ पिल्लू पर डालूंगा, मैं देखिए कितने सारे संख्या मैंने जमा कर लिया है, अब इसको हम क्या करते हैं कि इस पर कैटरपिलर पर हम लोग डालते हैं, अधिक डालने के बाद क्या होता है वो आप स्वतः देखिएगा, ठीक है ना, डाल दिया मैंने एक को डाल दिया, देखिए डाल दिया, देखिए डाल रहे हैं, बस इसका पूरा रोम पर चढ़ जाना चाहिए, ये जो आप भूआ पिल्लू का रोम पर पूरा चढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना, पूरा गिर जाना चाहिए इस पर, ताकि इसका रोम जो है ना भींग जाना चाहिए, ताकि इसका रोम जो है ना खत्म हो जाए, और ये स्वतः 2 से 3-4 मिनट के बाद ये क्या होता है मर जाता है, इसके रोम से ही मेन समस्या है, इसके रोम में वो चीज पाया जाता है जो शरीर के किसी पार्ट को अगर टच कर ले तो ये क्या हो जाएगा कि शरीर वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में खुजली देने लगता है, और आदमी खुजलाते खुजलाते वहां शरीर को लगता है काट दे, ऐसा लगना शुरू हो जाता है, और ये देखिए स्थिर हो गया, ये देखिए भूआ पिल्लू मर गया है ना, ये भी देखिए मर गया है ना, ये भी देखिए आपको क्या है मर गया, सारा भूआ पिल्लू मर गया, देखिए अब ये देखिए ये सब मरने के कगार पर है, ये मरने वाला है, ये देखिए मर गया छोटा वाला, ये भी देखिए मर गया, ठीक है ना, ये सब मर गए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये अपने घर से भूआ पिल्लू को अगर आता है तो इस तरह से ये उपाय करके, घरेलू नुस्खे हैं दोस्तों, और ये घरेलू नुस्खे से आप क्या कर सकते हैं भूआ पिल्लू को मार सकते हैं, देखिए सारे भूआ पिल्लू को आप देख पाए तो सारे भूआ पिल्लू स्थिर हो गया है, स्थिर हो गया मतलब मर गया सारा, अब देखिए कभी नहीं कुछ करेगा, इसकी कहानी हो गई खासे खत्म। तो आपके घर में भी अगर कहीं कैटरपिलर है दिखता है यानी भूआ पिल्लू दिखता है, और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है, भूआ पिल्लू से बचने के लिए आप एक सॉल्यूशन बनाएं, और सॉल्यूशन कैसा बनाएं, देखिए हमारे घर में भी तो अभी भाई बहुत संख्या में है, आपको मैंने दिखाया ही था, सब भूआ पिल्लू चल रहा है, ठीक है, इतने सारे भूआ पिल्लू हैं, सब भूआ पिल्लू को मैं भी इसी सॉल्यूशन के द्वारा क्या करूंगा मारूंगा, एक बार सॉल्यूशन को डाल दूंगा, और जैसे ही सॉल्यूशन इस पर पड़ेगा, ये सॉल्यूशन के चलते 2 से 3 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा भूआ पिल्लू मर जाएगा, देखिए कितने संख्या में है। थैंक यू दोस्तों, तो ये वीडियो आपको शायद पसंद आ जाए, और आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जो भी परेशान है दोस्तों उनको ये निजात बताइए, उनका छुटकारा मिल जाएगा उनको, थैंक यू।